अच्छा तो मैं भी आज देखें, आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ना वो जी ये एक कैटल है, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको बनाना सीखेंगे कि ये कैटल हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखने में तो जी बात ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आज आपको ये समझाऊंगा और एक एक चीज़ को आपको इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये किस तरह से बनेगी, ठीक है। आपने ध्यान से एक एक चीज़ को फॉलो करना है, ओके। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से माई कंप्यूटर कह रहा हूँ मैट्रिक्स ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, वो ये कि जब हम कोई पिक्चर लेके आते हैं तो पिक्चर को हम हमेशा से इसमें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ पर लेके आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पिक्चर को यहाँ पर नहीं बल्कि हमने तो पिक्चर को हमेशा हम लुकिंग डाउन में इंपोर्ट करते हैं ना, यहाँ पे लेके आते हैं व्यू में जाके, और फिर पिक्चर फ्रेम को हम यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन इस पिक्चर को हमने लुकिंग डाउन में नहीं लेके आना, यानी कि कुछ काम होते हैं जो लुकिंग डाउन में किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जो थ्रू फिंगर में होते हैं, कुछ होते हैं साइड व्यू में, और बाज़ औक़ात प्रोस्पेक्टिव के अंदर भी पूरा पीस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव के अंदर पूरा पीस कैसे बनाते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाज़ औक़ात में पूरा पीस प्रैक्टिस यहाँ पे ना पूरा का पूरा पीस यहाँ भी बना देता हूँ प्रोस्पेक्टिव के अंदर ही। तो बहरहाल अब हम जो यहाँ पे चलते हैं और थ्रू फिंगर का व्यू खोलते हैं, और यहाँ से इस व्यू को खोल के पहले मैं जाऊँगा व्यू में और यहाँ से पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। ये पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये है कैटल की पिक्चर। इस पर क्लिक किया और F4 दबाया और शिफ्ट दबा के पिक्चर को मैंने ऐसे जो बड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने इस पिक्चर को सेंटर करना है, ठीक है। यूटिलिटी में जाके ये सेंटर ऑब्जेक्ट, ये मेरा सेंटर ऑब्जेक्ट। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है, स्केल 3D पकड़ के F4 दबाना है और इसको ऐसे छोटा कर देना है, ये चीज़ जी, ठीक है। और पहले इसका साइज़ मैंने देखना है, साइज़ कितना है। डायमेंशन में जाएंगे और इसका साइज़ यहाँ से नापते हैं यहाँ तक, ये देखिए 12 mm, बिल्कुल छोटी सी कैटल हमने, ठीक है। तो हमने इसका साइज़ करना है 15 mm लंबाई, चौड़ाई उस हिसाब से जितनी मर्जी आ जाए, ठीक 15 mm इसको ले जाते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट दबा के हल्का सा बड़ा किया और ये ले, ये आ गई 15.5, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ पे हमने वाइट कलर दिया और इसको लॉक कर दिया हमने, ओके हो गया। अब ओके मैं भी ओके हमने इसके ऊपर अपना लाइन वर्क स्टार्ट करना है जी, ठीक है। तो लाइन वर्क कैसे करेंगे, लाइन वर्क के लिए हम यहाँ से कर्व में जाते हैं। सिंगल लाइन लेता हूँ पहले, मैं एक F4 दबा के बोथ साइड कर लेता हूँ ऐसे। ये लाइन मैं वैसे ही एक लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन मैंने लगा ली। अब इसका लाइन वर्क मैंने पहले यहाँ से डायमेंशन में दोबारा जाके इसकी लेंथ देखते हैं यहाँ पे कितनी है। जैसे ये और ये 9 mm, 9 mm का सर्कल लेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। पहले 9 mm का सर्कल लेंगे, ठीक है। 9 mm का सर्कल हम लुकिंग डाउन में लेंगे जाके, ठीक है। यहाँ पे 9 mm का सर्कल लेंगे, एंटर, और यहाँ से इसको पकड़ के थ्रू फिंगर में जाके इसको यहाँ पे ले आएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये वाला पॉइंट रखते हैं, या आपकी मर्ज़ी हो ऊपर रखना हो तो यहाँ रख लें, कोई मसला नहीं। ये बेसिकली यहीं रखते हैं इसको, ठीक है। अब आपने जो इसकी शक्ल देखनी है, तो ये थोड़ी सी ना पाइप नुमा बनी हुई है शेप, ठीक है, पाइप नुमा शेप बनी हुई है। तो उसके लिए अब जी हमने यहाँ से दोबारा डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ से इसको देखेंगे कितना है, ये 0.7 0.8 रख लेते हैं। इस कर्व को लेके हम ऑफसाइड करते हैं, ठीक है, 0.8, ये मैंने एंटर कर दिया जी, ठीक है। दोनों कर्वों को लेके थोड़ा सा छोटा करूँगा, क्योंकि ये गुलाई समेत हमारा 9 mm का है, जब गुलाई आएगी तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर्व छोटे कर रहा हूँ ताकि जब गुलाई लगे तो ये 9 mm आ जाए हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ से आर्क लेनी है और एक आर्क यहाँ लगानी है ऐसे, और इसको ऐसे बड़ा कर देना है, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद पिक्चर को मैं हाइड करता हूँ, प्रोस्पेक्टिव में चला जाता हूँ। यहाँ से इन दोनों कर्वों को, इन तमाम को, यानी कि तमाम कर्वों को लिया मैंने, तीनों को सेलेक्ट किया, सरफेस में गया, स्वीप वन कर दिया, और उसके बाद राइट क्लिक। ये कुछ ख़राब आ रहा है, ठीक है। अब इसकी रीज़न पता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसकी जी रीज़न ख़राब होने की वजह यह है कि देखें, एक एरो नीचे वाली डायरेक्शन में है, दूसरा एरो ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। दोनों एरो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तब ये हमारा काम सही आएगा, अदरवाइज ये काम हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है इसको हम स्केप करते हैं,
इसको कर्व को पकड़ते हैं, स्वीप वन पकड़ते हैं, फिर इस कर्व को लेते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए आ गया हमारा, ओके हो गया। ये देख, ये हमारी ये वाली जो हिस्सा है हमारा, ये वाला सब बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से यानी कि लाइन वर्क लेना है इसका। पहले लाइन वर्क मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसका, ठीक है। ये चीज़ लेयर चेंज करके जो लाइन वर्क है वो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे, ये चीज़। उसके बाद इसको मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को लेकर जो मैंने कर्व लिए हैं, इस पॉइंट को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ इस जगह तक ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ इसकी गुलाई कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया, तो मैंने कर दिया स्केल। अब मेरे पास जो ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व, इसको भी कंट्रोल पॉइंट देकर थोड़ा सा ऊँचा करते हैं यहाँ ऐसे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ ऐसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ये कर देते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं यहाँ पर। अब इसको करते हैं स्केप, पिक्चर को हाइड कर देते हैं। अब ये जो हिस्सा हमारे पास बन चुका है ना, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाले कर्व को लेके ये कर्व लेना है हमने, उसके बाद सरफेस में जाना है। और ये देख, ये है रिवॉल्व, इसका नाम है रिवॉल्व, इस पर क्लिक कर, ठीक है। इस पर क्लिक करके अब हम क्या करते हैं, इस कर्व को, इस वाले कर्व को ना मैं छोटा करता हूँ पहले, इसको मैंने किया छोटा, ठीक है। मैंने इस कर्व के ऊपर इसको चलाना है, स्केल बंडी पकड़ता हूँ और साइड व्यू में थ्रू फिंगर में जाके एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ रखा और यहाँ ऐसे छोटा कर दिया, यहाँ तक ले आता, ठीक है। अब इस कर्व को लिया, रिवॉल्व पकड़ा, एक पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और इसको शिफ्ट दबा के यहाँ शिफ्ट दबाया और यहाँ से इसको ऐसे गोल कर दिया, और फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया और फिर राइट क्लिक कर, ये देख ये चीज़ बन गई हमारे पास। सर पहले इसको हम गेज कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, 0.4, ये मैंने गेज कर दिया। उसके बाद इस ढक्कन को हमने लेके थोड़ा सा छोटा कर देना, थोड़ा सा लाइट सा, ताकि ये इसके अंदर हल्का सा मर्ज भी हो जाए ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पर आ गया। अब इसको इसको एक कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है, हमने ये वाला कलर इसको ऐसे कर दिया। अब हमने क्या करना है, दोबारा पिक्चर खोलते हैं, ठीक है। पिक्चर खोलने के बाद अब हमने इसका लाइन वर्क, ये कर्व लिया, यहाँ से इसका लाइन वर्क स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये लाइन वर्क मैं ले रहा हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इस वाले रेड कर्व को लेके मैं थोड़ा सा वंडी कर देता हूँ ताकि ये नीचे तक आ जाए, और यहाँ से पिक्चर को हाइड करके इसको यहाँ से लेके मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया, पिक्चर को दोबारा खोला। अब उसी तरह से इस कर्व को लेना है, दोबारा से इस वाले कर्व को प्रोस्पेक्टिव में जाते हैं, यहाँ से दोबारा रिवॉल्व पकड़ते हैं, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख के और शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसे, ये स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है। ये चीज़ ऐसे बन गई हमारी, इसके मुताबिक यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये देख, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से ना, अब हमने जिस क्या करना, एक दोबारा इंटरप्ट कर लिया और यहाँ से इसका लाइन वर्क स्टार्ट कर देते हैं अंदर से, ताकि इसके अंदर मर्ज होता हुआ ये आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये फिर यहाँ पर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ अंदर से लाइन वर्क स्टार्ट करते हैं इसका ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ ऐसे, फिर ऐसे और फिर यहाँ पर, इसको ऐसे मर्ज कर दिया। अब इन दोनों कर्वों को लेना है, इन दोनों कर्वों को लेके हमने सरफेस में जाना है, और ये है लॉफ्ट की कमान, ये देखिए इसको दबाना है और ये इसने सरफेस बना दी हमारी, ये वाली, ये देखिए, ठीक है, ये सरफेस बना दी इसने हमारी। तो अब हमने पहले इसको भी गेज, इसको गेज बाद में करेंगे, इसको अभी हमारे पास आ गई। अब इसको लेके हमने यहाँ से सरफेस में जाना है और बोथ साइड, ये बोथ साइड इसको हमने कर देना है 0.5, यानी कि टोटल 1 mm हो जाएगी, ये हमारे पास 1 mm आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सॉलिड में जाएंगे,
और यहाँ से इसको फिल्टर एज कर देंगे थोड़ा सा, राइट क्लिक सेट ऑल 0.3, ठीक है, ये देख ये गोल हो गई। तो थोड़ी सी चौड़ाई इसकी गोल होने के बाद कम होती है, तो हम हल्का सा चौड़ाई बढ़ा देते हैं इसकी, ठीक है, ये हमारी बढ़ गई चौड़ाई। अब हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ, हमारा ये तो पोर्शन बन गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पिक्चर जो होती है ना, पिक्चर के ऊपर एग्जैक्ट नहीं चला जाता, पिक्चर को। तो अब ये देखिए यहाँ तक हमारा पोर्शन हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पिक्चर के ऊपर ना एग्जैक्ट नहीं चला जाता, पिक्चर को खुद बेहतर करके चीज़ बनाई जाती है, बाद का पिक्चर टेढ़ी भी होती है तो हमने उसको खुद से बेहतर करना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले पोर्शन की तरफ कि ये वाला पोर्शन कैसे बनेगा। तो अब यहाँ से ये देखिए इंटर कर लिया और एक यहाँ पे कर्व चलाना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको बंद किया और इसको अंदर तक यहाँ तक रख लिया। उसके बाद यहाँ पे कर्व रखा और यहाँ से इसको चलाना शुरू किया ऐसे, यहाँ पर ऐसे, फिर ये यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, उसके बाद इसको हल्का सा यहाँ पर अंदर ऐसे ले, ठीक है, ये बन गया हमारे। अब हमने क्या करना है, पिक्चर को करते हैं हाइड, ठीक है, और इस कलर को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से जेम्स में जाना है, जेम्स है जेम लोडर, इस पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे नीचे जेम्स की विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैंने ये जो सरू है ना हमारा, पियर जिसे बोलते हैं, इसकी मैंने विंडो खोल ली है। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ 3 mm का, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये चेंज करता हूँ, और यहाँ से इसको पहले मैं करता हूँ सेंटर, यूटिलिटी में गए सेंटर ऑब्जेक्ट, ये मैंने सेंटर कर लिया। यहाँ से इसको मैंने दबाया F6, यहाँ से किया जेम प्रोफाइल राइट क्लिक, उसके बाद इसको नगीने को कर दिया डिलीट, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ओरियन 2 पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये हमारा बन गया, ओके हो गया। एक पॉइंट यहाँ से दोबारा पकड़ते हैं यहाँ, और एक यहाँ पर, और फिर दूसरा यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ठीक है। वैसे भाई मैं भी ठीक है, ठीक है सर। ये अब देखें, पहले मैंने स्वीप 1 किया था ये वाला, ठीक है, मैं स्वीप 2 करूंगा ये वाला। स्वीप 2 के लिए चारों को पकड़ना पड़ता है, यहाँ से स्वीप 1 करना हो तो सिर्फ ये वाला रेल और ये वाला, इससे हो जाएगा। स्वीप 2 करना हो तो ये दोनों को पकड़, तीनों पकड़ना है और ये चौथा पकड़ना है, उसके बाद स्वीप 2 कर दो। तो ये देख आ गया, अब यहां से ये देखिए आधा आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है, सही नहीं आ रहा, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, अब देखते हैं खराबी कहां पे आ रही है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको क्या करते हैं, पकड़ के पहले कंट्रोल नेटवर्क करके देखते हैं, कंट्रोल नेटवर्क नहीं होता, स्वीप 1 कर देते हैं, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से कोई पॉइंट हमारा, जैसे कहते हैं हम मिस हो रहा है, उसको हम चेक करते हैं कहाँ पे खराबी आ रही है हमारे पॉइंट्स के अंदर ना, ये, और उसके बाद स्वीप 2 दोबारा करते हैं, और अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, हमें ख़राब कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इसको अभी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कहाँ पे ख़राबी आ रही है हमारी, ठीक है। अब ये देखें, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको करते हैं, तो ये ले, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ख़राबी आ रही थी ना, मैंने इस कर्व को, ठीक है, अब मैंने इस वाले कर्व को लेके, इस वाले कर्व को और जो बाहर के 3-2 कर्व थे उनको लेके मैंने स्वीप 2 कर दिया, तो ये मेरे पास सरफेस बन गई, ये देखिए, ठीक है। अब जो ये वाला मेरा कर्व है ना, ये वाला कर्व, इसको मैंने क्या करना है, इसको पहले मैं गेज कर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने कर दिया गेज पॉइंट, इसको 0.5 का गेज कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने 0.5 का गेज करा मैंने इसको, सॉरी बोथ साइड हो गया। तो अंदर की तरफ यहाँ से पहले करते हैं स्केप, पहले यहाँ से बोथ साइड बंद करते हैं, ये अब करते हैं 0.5 और इसको भी 0.5, ये मैंने कर दिया 0.5, इसको कम करते हैं, इसको करते हैं 0.35, ठीक है, ये आ गया हमारे,
ओके हो गया। उसके बाद ये वाला जो हमारा कर्व है ना, ये वाला, अब ये वाले कर्व को हमने लेके हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे पाइप, सॉलिड में जाके पाइप कर देंगे इसको, ठीक है। डायमीटर पे क्लिक करेंगे, टोटल पॉइंट करेंगे 0.4 का पाइप, इसको ये हमने 0.4 का पाइप करा। और जो हमारी ये वाली जगह ना, ये वाली, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ से ऊपर यहाँ रखेंगे, ओके हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ ऐसे, ये यहाँ पर हमारा आ गया। इसको हल्का सा ये मर्ज है, थोड़ा सा ऊपर निकाला, इसको हमने ये वाला कलर दे दिया ऐसे। उसके बाद इसको हमने पकड़ा और हल्का सा ऐसे बड़ा किया, और यहाँ थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया इसको ऐसे ही, यहाँ पर। ये इसको नीचे भी रख सकते हैं आप, मर्जी है, जहाँ रखना चाहे। तो ये ले, तो ये देखिए कितने आराम से और कितने इजीली इसको हमने कैटल को आज ड्रॉ किया है। बताया थे देखने में तो ये बहुत मुश्किल लग रही थी कि हम जो इसको कैसे तैयार करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, और देखने में आपको भी लग रहा होगा ये पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर पे होगी, किस तरह से होगी। लेकिन देखिए आपके सामने ही जो हमारी नॉर्मल यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, उनको ही मैंने यूज़ करते हुए, स्वीप वन, हिस्ट्री, और इनको यूज़ करते हुए देखिए मैंने कितने आराम से ये कैटल ड्रॉ की है, देख रहे हैं आपके सामने है ये। हाँ सर, तो उमेर भाई, आप ये मुझे बना के दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? इंशाल्लाह। यहाँ से उठाएं ये देखें ढक्कन इसका, इस तरह से। तो आप ये मुझे बना के दिखाइएगा कि नहीं? इंशाल्लाह सर, इसकी पिक्चर आपको भेजता हूँ, आफ्ताब भाई को भी भेजता हूँ, तो आपने मुझे बना के दिखानी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने कैटल बनाना सीखा है। तो ये कैटल का डिज़ाइन और इसको बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।